1:20 और हम लोग खड़े हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है बहुत बुरी तरीके से। भीड़ भाई नंबर 35 मिनट्स वेटिंग है। किसी किस्म का ऑमलेट है यहाँ पे, मजाक नहीं। ये किसका है? ये क्या है? ये किसने ऑर्डर किया था? आज है हमारे साथ कौन? आज हमारे साथ है सुधांशु जी। सुधांशु जी स्टेट फ्रॉम पुणे। स्टेट फ्रॉम पुणे। एक्चुअली नॉट फ्रॉम पुणे, ओरिजिनली फ्रॉम प्रयागराज। फ्रॉम योगी आदित्यनाथ। वेलकम टू बैंगलोर सुधांशु। वेलकम टू बैंगलोर सुधांशु जी। और आज अभी बज रहे हैं, मजे की बात यह है अभी बज रहे हैं 11 बजे आए हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए। 11 बजे क्यों आए हैं बैडमिंटन खेलने के लिए? 11 बजे बैडमिंटन खेलने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि अभिजीत ने हम लोगों को मेरे को फंसा दिया है हमारे ऑफिस में। हमारे ऑफिस में है टूर्नामेंट और हमेशा की तरह 2-3 महीने से मैं खेला नहीं हूँ। और तो टूर्नामेंट है नेक्स्ट वीक और हम लोग अभी यहाँ और मैंने प्रैक्टिस की नहीं है। प्रैक्टिस करने से एक्चुअली कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट पर्टिकली मारने में थोड़ा कम से कम। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि आज बैडमिंटन कोर्ट मिले नहीं मिले, इंडिया पाकिस्तान मैच ड्रॉ हो चुका है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर बैठ के अभी 1 घंटे खेलेंगे 11 बजे से 12 बजे तक और फिर कल वापस आएंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीक सैटरडे को मैच है, तो अगर प्रैक्टिस अच्छे से हुई तो फिर मैच में जाके खड़े रहेंगे, अदरवाइज लीव ले लेंगे। अभिजीत को बोल देंगे, अभिजीत का फ़ोन है इससे पहले ऑफ कर देंगे। आई होप अभिजीत ये ब्लॉग पहले ना देखे। सुधांशु जी कुछ बोलिए। सब डालने वाले हो? नहीं ये तो ये है बिहाइंड द सीन्स BTS BTS है। तो सुधांशु जी आए हैं हमारे साथ खेलने के लिए। सुधांशु जी के साथ सुधांशु जी महाराज थोड़ी है, ऐसा क्या? सुधांशु जी का इंटरव्यू लेना चाहिए ना, उनको कैसा लगा पहली बार बैंगलोर में बैडमिंटन खेले हैं? ये पुणे में ही खेलते आए हैं। बहुत अच्छा लगा, 3 साल बाद पुरानी यादें ताजा, पुरानी यादें ताजा हो गई और आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई एटलीस्ट मेरी तो। और नींद बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल नींद तो चली गई है एकदम, नींद तो चली गई है पूरी एकदम। हाँ। अभी हम लोग निकल जाना चाहिए घूमने के लिए। अभी हमारा वो सीरीज बाकी है। हाँ, वो सीरीज जो देख रहे थे और आज का मैच जो ड्रॉ हो गया, इतना दुख हो रहा है मुझे। दुख क्या हो रहा है? अच्छा, 0 रन पे आउट हो गया विराट कोहली। 0 रन पे नहीं हुआ, चौका मार के आउट हुआ। चौका मार के यार इतना। अगर आज अभिजीत प्रैक्टिस देखते अपने पार्टनर की तो बहुत ज्यादा जो है। आज अभिजीत जी को बहुत मिस किया गया है, बट पता नहीं कितना इसमें आ रहा है क्लियर। हाँ क्लियर आ रहा है आज। लेकिन अभिजीत को मैंने स्टेटस अपना डाला इंस्टा पे, उसने देखा, उसने बोला वाह वाह साले, वाह वाह तो हो गए, तूने जो गोली दिया, नाम दे दिया एक तो उस टीम में, ऊपर से आने वाला था 2 वीक पहले, आ रहा है तू लास्ट वीक, मंडे को आ रहा है, सैटरडे को मैच है, प्रैक्टिस कब करूंगा मैं मैच में। और हमारे साथ है सुधांशु। सुधांशु जी अब मूव हो चुके हैं पुणे से बैंगलोर। आपने सुधांशु जी को इस वीडियो में पहले देखा होगा, कल रात को हमारे साथ बैडमिंटन खेल रहे थे और अब आप इनको फ्रीक्वेंटली हमारे वीडियोस में देखते रहेंगे प्रैक्टिस कराते हुए बैडमिंटन, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस कराने वाला तो बैठा है वहाँ केरला में, आ ही नहीं रहा, बोल रहा आएंगे आएंगे, आ ही नहीं रहा, पता नहीं, देखते हैं। अब उसने इतने सारे कस्बे वादे किए, अब बोल रहा है कि आज निकलूंगा कल आऊंगा, देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन वाइल्ड हिमन आई। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं कहीं टाइम पास करने के लिए। बहुत ही मजे की बात है कि हम लोग आए थे होल इन द वॉल कैफे और होल इन द वॉल कैफे का मैं दिखाता हूँ। अभी संडे है और अभी बज रहे हैं 12:45। ये देख लो यहाँ जो मेला लगा है, सारा है वेटिंग, तो यहाँ चलते हैं। ये जगह तो बहुत बिजी है यार, क्या बोल रहे हो लोग? वो लोग बोल रहे हैं 35 मिनट्स वेटिंग है ओके और
सब लोग अपना अपना नाम लिखा दिए हैं, मैं भी अपना नाम लिखा के आ गई हूँ। और अंदर से कोई लेडी आई, आई गेस शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग ऑल द अपॉइंटमेंट्स। और बाहर आप नाम लिखा दीजिए और खड़े रहिए वहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए। बैंगलोर में टाइम हो रहा है 12:45। नंबर सेवन, अरे एक बज के 20 मिनट और हम लोग खड़े हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत बुरी तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक भीड़ खड़े हैं, भीड़ खड़ी है, खड़े क्यों है यहाँ तक। आपका इस बारे में सुधार देख रहे हैं कि आप सबकी वीडियो बना रहे हैं, तो अच्छी चीज है ना। हमारा नंबर कब आएगा, कब आएगा बताइए, हमारा नंबर ये पकड़ लीजिए। अंडा हो गाल में चीज भरना पड़ता है। केक वाला तो अंडा खाते हो ना? केक वाला अंडा नहीं, अंडे वाला केक। अंडे वाला केक, केक वाला अंडा। फाइनली मारपीट करने के बाद 1:35 में हम लोग को जगह मिल चुकी है और हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं अपना मेन्यू, अपना खाना, अपना ब्रेकफास्ट, पता नहीं लंच ऑर्डर कर रहे हैं, स्नैक्स ऑर्डर कर रहे हैं शाम वाला, या स्नैक्स ऑर्डर कर रहे हैं शाम वाला, या ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे हैं। बट जो भी है, टाइम को नज़रअंदाज करते हुए ये फर्स्ट फ्लोर है। क्या बोल रहे थे? बोल में ये रहा था कि हमने ऑर्डर कर दिया है हमारा मसाला ऑमलेट, ऑमलेट जो भी है, चीज भी जो भी उसने बोला सारा ऑर्डर कर दिया है। 5-6 चीजें लेके आएगा और देखेंगे कैसा है, अभी कुछ और देख रहे हैं। फिर वॉफल्स भी खाएंगे, वॉफल्स भी खाएंगे। सारे पैसे आज छूट सारे नहीं। ये किसका, ये क्या, ये किसने ऑर्डर किया था? और दिस चीज ऑमलेट, ये एक्स्ट्रा ब्रेड इतना ही है और उसके साथ भी तो ब्रेड आने वाला था। भी किसी किस्म का ऑमलेट है यहाँ पे, मजाक नहीं है। ये वो वाला ऑमलेट है, उड़द दाल का। सारा कुछ हम लोगों ने अपना पराया सबको एक करके ख़त्म कर दिया है। सुधांशु जी ने हमारे साथ नॉन वेज नहीं खाया, वेज खा रहे हैं। अपना पनीर वनीर उबाल भी कुछ दे दिया है, कुछ चना वना दे दिया है, खा रहे हैं। इसको बोलते हैं तिरामिसू पैनकेक। अब ये टेस्ट करके देखेंगे, रिव्यूज़ में पढ़ा था कि ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे जो मिलता है, इसको खा के देखेंगे कैसा है। There are too many people sitting here waiting. My God, अब ये 2:30 बजे कौन सा ब्रेकफास्ट करेंगे? कर भी सकते हैं यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।